देखो मछली कितना सुंदर लग रहा है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू रेसिपी ब्लॉग। तो आज हम बनाने वाले हैं मगरमच्छ का एक मजेदार रेसिपी दोस्तों। तो देखो यहाँ पे ताजा मगरमच्छ, घर का एकदम देसी मगरमच्छ। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो चलो दोस्तों पहले हम मंगर मछली को काट लेते हैं। तो दोस्तों मंगर मछ को अच्छे तरह से काटना पड़ता है क्योंकि उसका जो कांटा होता है ना हाथ में चुभ जाता है और बहुत ही जलन होता है दोस्तों। तो अच्छे तरह से सावधानी से काटना पड़ता है। तो देखो सासू माँ यहाँ पे कितनी अच्छी तरह से काट रही है। मछली कटना कॉम्प्लीट हो गया है। अब बढ़िया से अच्छे से साफ सफाई करने के, तो हम अच्छे से साफ सफाई करके धो लेंगे मछली को। देखो दोस्तों इसका पीस देखो दोस्तों कितना बड़ा बड़ा है, क्या बताओ क्या बड़ा बड़ा है। देखो इतना बड़ा मछली मिलता ही नहीं है। और ये मछली बहुत ही टेस्टी है दोस्तों, मगरमच्छ का तड़का क्या बताओ, बहुत ही टेस्टी है। मछली के लिए हम पहले यहाँ पे लहसुन और प्याज और आलू को ले लिया है, तो हम अच्छे से अब काट लेते हैं। यहाँ पे आलू प्याज लहसुन अदरक और टमाटर काट लिया है, अब हम मसाला पीसेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मसाला पीसने के लिए हमने तो सामान रेडी कर लिया है। तो देखो यहाँ पे हमने ले लिया है अदरक जीरा लौंग और यहाँ पे सूखी मिर्च। तो मैं मसाला को पीस लेती हूँ। तो पहले मैं जीरा और अदरक को पीस लेती हूँ। Thank you.
यहाँ पे जीरा और अदरक को हमने पीस लिया है, तो देखो। और अब मैं पीसूंगी सूखी मिर्च और काली मिर्च को। सूखी मिर्च और काली मिर्च को हमने पीस लिया है, तो मैं अब उठा लेती हूँ। मसाला तो पिसाई करना कॉम्प्लीट हो गया है, अब हम मछली को भाजी करेंगे। तो दोस्तों मंगल मछली को हम पहले हल्दी और नमक से मखा लेते हैं। हल्दी और नमक से मंगल मछली को हम मखा लिया है, अब हम कढ़ाई चढ़ा देंगे। भाजी करना तो हमारा कॉम्प्लीट हो गया है, अब हम भाजी करेंगे आलू को। तो आलू को लाल लाल करके भाजी करना पड़ेगा। तो इसमें हम थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी नमक दे देंगे। भाजी करना तो हमारा कॉम्प्लीट हो गया है, अब हम नमा देंगे।
फिर से दे दिया है, तो अब हम छोड़ देंगे प्याज को। तो थोड़ी देर प्याज को भाजी करना पड़ेगा। हम छोड़ देंगे लहसुन को। प्याज और लहसुन को अच्छे से लाल लाल करके भाजी करना पड़ेगा। अच्छी तरह से भाजी कर लिया है, अब साथ में इसमें छोड़ देंगे टमाटर। तो दोस्तों यहाँ पर टमाटर भी भाजी करना कंप्लीट हो गया है, तो इसमें हम दे देंगे जीरा और अदरक। जीरा और अदरक को अच्छे से भूनना पड़ेगा। फिर हम इसमें दे देंगे काला मिर्ची और सूखी मिर्ची। और मसालेदार पानी। थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी हल्दी, तो मसाला को अच्छी तरह से भूनना पड़ेगा। तो मसाला को इतनी अच्छी तरह से भूनना पड़ेगा जब तक इसका तेल ना छोड़ दे। तो यहाँ पे अच्छे से मसाला भूनना हमारा कॉम्प्लीट हो गया है, अब सच में इसमें आलू छोड़ देंगे। तो मसाला के साथ आलू अच्छी तरह से मिक्स करना पड़ेगा। अब इसमें हम दे देंगे थोड़ी सी पानी। तो दोस्तों मसाला को अच्छी तरह से कसना पड़ेगा, नहीं तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो मसाला कसाना हमारा तो कंप्लीट हो गया है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी दे देंगे। तो अच्छे से उबालने के बाद हम मछली को छोड़ देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे पानी तो उबलना शुरू कर दिया है, तो इसमें हम दे देंगे मछली। तो थोड़ी देर इसको फिर से उबलना पड़ेगा दोस्तों। ठीक से उबलने के बाद हम इसको नमा देंगे। तो आलू तो अच्छी तरह से पक गया है, अभी से बहुत ही खुशबू आ रहा है, इसका कलर देखो कितने अच्छे आई है देखो।
जाती हो? एमी खाना पकाएगी। कैसा हुआ है बेटी, बोलो बोलो बोलो, अच्छा नहीं हुआ है हा? तुम खाना पकाओगी? देख रही है। दोस्तों मछली का रेसिपी तो लगभग कॉम्प्लीट ही हो गया है, तो थोड़ा सा हम टेस्ट करेंगे नमक ठीक तरह से हुआ कि नहीं। तो चलो, बहुत ही गर्म है। क्या बताओ, बहुत ही टेस्टी हुआ है। तो अब हम इसमें दे देंगे गरम मसाला। रेसिपी हमारा तो कॉम्प्लीट हो गया है, अब हम बर्तन में नमा लेंगे। रेसिपी तो हमारा कॉम्प्लीट हो गया है, अब हम मजे से टेस्ट करेंगे। तो चलो कैसे पका है। तो मैं एक पीस ले लेती हूँ और साथ में आलू। तो ससुमा लो, खाके बताओ कैसा पका है। बहुत ही टेस्टी हुआ है, बहुत ही टेस्ट, क्या बताऊं। हमारा आज मंगलमच्छ का तड़का आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर चैनल को एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करना मत भी भूलना दोस्तों, कमेंट करते रहना। तो मिलते हैं नई रेसिपी ब्लॉग में। तो आज के लिए टाटा।